मेजर की पेंडिंग पे, डेली मेजर को परमानेंट, डेली मेजर को परमानेंट, शक्ति पीएचयू प्रोसेसर, शक्ति पीएचयू प्रोसेसर, डेली मेजर की पेंडिंग पे, डेली मेजर की पेंडिंग पे, पॉलिसी परमानेंट, पॉलिसी परमानेंट, पॉलिसी। ऐसा है कि प्रदर्शन तो रोज ही हो रहे हैं, एम्प्लाई जो है डेली वेजर जो है वो इतना दुखी है इस गवर्नमेंट से। ये गवर्नमेंट जो है ये खाली झूठे वादे, खोखले वादे और लोगों को और एम्प्लाईज़ को और वर्कर को खाली ये सभी बाग दिखाते हैं। आज तक कोई भी काम पूरा नहीं किया, खाली बोलते हैं प्रोजेक्ट, खाली सेंट्रल मिनिस्टरों के दौरे, बाकियों के दौरे झूठी जहाँ पर आकर, लेकिन करना किसी का कुछ नहीं, खाली भाषण देते हैं, झूठ बोलते हैं। आज तक आप बताओ कि कितनी दफ़ा इन्होंने वायदे किए कि हम रेगुलर पॉलिसी बना रहे हैं, पेंडिंग बेसिस दे रहे हैं, लेकिन ना रेगुलर पॉलिसी बना रहे हैं लोग। मैं कह रहा हूं कि बेचारे डेली वेजर में, डेली वेजर जो है वो रिटायर हो रहे हैं 30-30 साल देकर, लेकिन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का मतलब होता है गौर करना किसी के मसलों पर, लेकिन ये वो गवर्नमेंट है ये खाली अपने लिए गौर कर रही है, एडवाइजरों के लिए गौर करती है, बाकी जो छोटा मुलाजिम जो है, गरीब जो है, जनता जो है, मैं कहूँगा कि जैसे गन्ने का रस वो निकालता है ना शुगर केन, तो मैं कह रहा हूँ उस ढंग से लोगों को और इन छोटे गरीब मुलाजिमों को उस ढंग से निचोड़ रही है पूरा। महंगाई का तोहफा दिन ब दिन, रोज का तीसरे दिन रोज मिल रहा है। अभी जैसे मैं सुना कि अभी कह रहा हूँ आपको, इन्होंने तो जीना मुहाल कर दिया इस गवर्नमेंट ने लोगों का। अभी कह रहे हैं कि इस पहली तारीख से, एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जो भी कुत्ता घर में रखेगा वो 300 रुपया महीने का देगा, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। मैं कहता हूं आप बाथरूम कितनी दफ़ा जाते हो, इन्होंने वो भी पैसा शुरू कर देना है। आप घूमते कितना हो, सैर करते हो, उसका भी पैसा लेना है। ये जो अभी बोल रहे हैं ना जे मुकेरी लाल के, जो सपने देख रहे हैं हमारी गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद पहली मीटिंग होगी, उसमें हम पहला चीफ मिनिस्टर, पहली मीटिंग में ही ये जो है डिसीजन लिया जाएगा, इनको रेगुलाइज किया जाएगा। मैं कहता हूँ जो काम आप कर रहे हो ना, जिस ढंग से लोगों के आप खाल उतार रहे हो महंगाई से, और जो झूठे वायदे कर रहे हो, मैं कहता हूँ आप भूल जाओ। मैं पब्लिक से, मुलाजिमों से, सबों से अपील करूँगा कि जब भी इलेक्शन आएगी ऐसे लोगों को जिन्होंने धोखे में रखा है, काम करने के बावजूद लोग भूखे मर रहे हैं, उसके बाद तनख्वाहें नहीं है, 5.5-6 साल की तनख्वाह जो है वो पेंडिंग है, वो नहीं दी जा रही, रेगुलर पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। मैं कहता हूँ ये जो ब्यूरोक्रेट जो ऊपर बैठे हैं, इनको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है क्या हो रहा है। आने वाले दिन पब्लिक के लिए, हमारे लिए तो खराब चल रहे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए भी बहुत ज़्यादा खराब दिन आएंगे। पानी नहीं मिलेगा, और जितना भी पैसा आता भी है, अगर मैं आपको कहूँगा, मैं अभी इतना डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मैं फिर आपको कहता हूँ, जहाँ पर भी करोड़ों की हेरा फेरी हुई है, मेरे पास कुछ एविडेंस पक्के पंचों सरपंचों के साइन प्लस मुलाजिमों के पहुँच गया है सिलसिला, मैं देख रहा हूँ जितने भी हैं वो स्टेशन, सबों से जब पहुँचेगा मैं उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊँगा कि ये जो हालत जो इस वक्त इन्होंने ऑफिसरों ने भी की है जहाँ की, मैं कहता हूँ ये किसी को ना फिटिंग मटीरियल देते हैं, ना ब्लीचिंग पाउडर देते हैं, ना किसी को छुट्टी मिलती है, ना बैठने के लिए कोई ड्यूटी रूम है, ना कमरों की जो हालत है। मैं कहता हूँ कि अंदर जाने से डरते हैं मुलाजिम कि कहीं ऊपर ना गिर जाए, लेकिन करोड़ों के हिसाब से पैसा आया वो खाली दूर दराज इलाकों में बताया, मैं आपको बताऊँगा डिटेल, उसमें कहीं 3.5 लाख रुपया, कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख खर्च किया है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर 1% एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि यही हालत अगर रही तो मैं कहूँगा कि ऊपर से इंक्वायरी होनी चाहिए सही ढंग से, वो हम लिख कर दे रहे हैं, देंगे थोड़े दिनों के बाद। गवर्नर साहब से भी अपील करूँगा, समूह से अपील होगी हमारी, कि ये जो पैसा इन्होंने बताया है कहाँ कहाँ लगाया है, वो सारा कहीं 10% लगा होगा, 90% सारा फ्रॉड है। और मैं फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, सेंट्रल मिनिस्टर इतने आ रहे हैं, जल शक्ति डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है वो भी जहाँ पर है, लेकिन गवर्नर साहब आप बात कीजिए ना इन गरीबों के बारे में, जो 4-5 लाख फैमिली के मेंबर हैं इन सबों के, तो
तो मेरा कहने का मतलब 62,000 डेली वेजर है, तो उनकी बात कीजिए सेंटर में जाकर, इनकी पेंडिंग बेसिस दीजिए और उसके साथ ही ये जो रेगुलर पॉलिसी है वो बनाई जाए। स्टाफ की जितनी ज़्यादा कमी है, बहुत ही बुरी हालत है। मैं कहता हूँ आगे बहुत सी स्कीमें बंद हो जानी है। मैं आपके माध्यम से यही अपील करूँगा कि गरीबों की आह मत लो, इनका काम करो। अगर आपको जहाँ पर गवर्नमेंट दी है, आपके पास अरबों खरबों रुपया आ रहा है, वो कहाँ जा